अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सलमान मिर्जा। और मैं हूं सहरिश जुहेब। सबसे पहले हेडलाइंस। लॉ मिनिस्टर पंजाब का सबसे बड़ा कानून शुक्ल मिनिस्टर, जिसके 20 आदमी मुराद। कप्तान से लड़ते लड़ते नून लीगी आपस में लड़ पड़े। फैसलाबाद में लीगी धड़ों में लफ्जों की जंग। आबिद चिरली के वालिद की कयादत पर वार। बेटे को इस्तीफा दिलाने की धमकी। राणा सनाउल्लाह को भेड़िया करार दे दिया। चौधरी शेर अली की जहनी कैफियत ठीक नहीं, उनकी बातों को संजीदा नहीं लिया जाता। राणा सनाउल्लाह का जवाब। मलिक नवाज कहते हैं शेर अली ने गलत इल्जाम लगाए तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये कानून शिकन वजीर आला, कानून शिकन वजीर आला। राणा सनाउल्लाह हमारे सर का तलक है। राणा सनाउल्लाह हमारे सर का तलक है। लीगी रहनुमाओं की बदहवासियां। शेर अली ने राणा सनाउल्लाह को करप्ट वजीर आला कह दिया। मलिक नवाज ने राणा सनाउल्लाह को नून लीग के माथे का कलंक करार दे दिया। आप टांगे खींचने की कोशिश करते रहोगे, आप खींच नहीं पाओगे, हम आगे तरक्की में और भागते चले जाएंगे। इलेक्शन हुआ है, नतीजा कौम के सामने आ गया है, अब उसको तस्लीम कर लो। 48 घंटे बाद इलेक्शन का नतीजा तस्लीम नहीं किया जा रहा। हकायक तस्लीम करें, वजीर आजम का कप्तान को मशवरा। तहरीक इंसाफ भी डट गई। NA 122 से वोटों की मुंतकली का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया। लाहौर के मेयो अस्पताल में बच्चों की नर्सरी के इंक्यूबेटर खराब। नौमौलूद बच्चों को मशीनों के बगैर सांस दिलाने की कोशिश। गंगाराम के नर्सिंग कॉलेज में रक्स की महफिल। फुटेज मंजरियाम पर आने पर MS मुअत्तल। मुल्क में दाइश है या नहीं, दो बड़े सूबों के पुलिस सरबराहान के बयानात में तजाद। IG पंजाब का मुल्क में दाइश की मौजूदगी से इनकार। दाइश मौजूद है, IG सिंध का इसरार। भारत ने सिर्फ फिल्म बनाई, ARY न्यूज ने हकीकत में कर दिखाया। ARY की कोशिशों से बोलने और सुनने से महरूम गीता को 13 साल के बाद उसका खानदान मिल गया। 26 अक्टूबर को रवानगी का इम्कान। पाकिस्तान को भारत के जवाब का इंतजार। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की एंट्री। साबिक वफाकी वजीर और काफली के रहनुमा यार मोहम्मद रेंद की शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन से मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर गुफ्तगू। अदालती हुक्म पर किसान पैकेज की बहाली के बाद खाद पर सब्सिडी का नोटिफिकेशन जारी। DAP की बोरी 500 और नाइट्रोपोस की बोरी 217 रुपए सस्ती हो गई।